किशोरी विनय मान और किसी ऐसे अद्भुत अनुपम उत्कट आनंद की प्राप्ति कि जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुए। आप वृंदावन के रसिकों की भाव भावना का दर्शन करिए उनकी वाणी में कि जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुए तो हूं न जाऊं यह सांची मन मानी को रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन वृंदावन के रसिकों की वृंदावन की रेणु में कि वृंदावन रज पाए ली सो पाए वो कहा रहे हो और अलक लड़े थी ध्याय ली सो ध्याय वो कहा रहे हो। जैसे किसी किसी संत की वाणी है कि जिनके हृदय श्री राम बसे तिन और को नाम लियो न लियो, ऐसे वृंदावन के रसिकों की भाव भावना कहाँ जाकर ठहरती है। रोज सवेरे सेवा कुंज को जाएंगे श्री राधा वल्लभ लाल की मंगला गाएंगे। तो किसी ने पूछा बोले इससे क्या होगा, बोले क्या होगा ये पूछो क्या नहीं होगा। मन होवे पूरण का कुछ तो बहता है उस हवा के साथ जहां श्री बिहारी जी और श्री राधा वल्लभ जी के सन्मुख होते ही हम भूल जाते हैं प्रणाम करना, सहज में सहसा भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है इस आदर और सम्मान की। सहसा श्री बिहारी जी के सन्मुख जाकर, सहसा राधा वल्लभ लाल के सन्मुख जाकर एक एक भाव मन में आता है। वो तेरे नैन बड़े कजरारे काजल से कारे कारे तेरे नैन बड़े कजरारे काजल से कारे कारे काजल से कारे कारे काजल से से कारे कारे काजर से कारे कारे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे मलिहार प्यारे भक्ति की बात कर रही है। अर्चनम वंदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति कहां जाकर विश्राम पाती है, आत्मनिवेदन, जहां केवल जाने मात्र से भक्ति के 800 पान पार हो जाते हैं और आत्मनिवेदन का भाव मन में आता है। बलिहार प्यारे जो मैं बलिहार प्यारे मैं बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो मैं बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरी प
पायल की पैजनिया पे तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो मैं बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो आप देखिए कृष्ण को कौन रसमूर्ति करता है? कृष्ण को रसमूर्ति बनाता है वृंदावन धाम। जिस दिन से श्री कृष्ण वृंदावन का परित्याग करते हैं लोक की लीला में, नैमित्तिक लीला में, उस दिन से श्री कृष्ण रसिकों के आराध्य नहीं रह जाते। मीरा कहती है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और व्यास जी तो कहते हैं, वृंदावन रस मोहे भावे हो, वेद पुराण और भारत भाखे। जो कुरुक्षेत्र में आपने अर्जुन को उपदेश किया, बोले सो मोहे कछु न सुहावे हो। सूरदास कहते हैं कि मिलवो नैनन ही को नीको, मदन गोपाल हमारे सर्वस। बोले वेद पुराण और भगवत गीता, क्या कह रहे हैं सूरदास जी? मैं ऐसी धृष्टता नहीं कर सकता, सूरदास जी कह रहे हैं। बोले वेद पुराण और भगवत गीता, बोले फीको ज्ञान पोथी को, बोले खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिवैया घी को, मिलवो नैनन ही को नीको। सरस करता है कृष्ण को वृंदावन धाम। जब तक श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी हैं, तभी तक वो रसिकों के आराध्य हैं। क्यों? इसका भी एक कारण है। वृंदावन कैसी सरसता प्रदान करता है? क्या ऐसा है जो केवल वृंदावन की सीमा में श्री कृष्ण का संग करता है, बाहर नहीं करता? तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे नारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे नारी। राधा 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 लगती है सबसे नारी, तेरे संग राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। युगल चरण पे मैं जाऊं, युगल चरण पे मैं जाऊं, बलिहार प्यारे जू मैं बलिहार प्यारे जू मैं बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू मैं बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू मैं बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू। और हाथ कंगन को आरसी क्या आगे क्या होता है? पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप देखिए, जहां का स्मरण, जहां का केवल स्मरण वातावरण में एक एक उत्सव का सृजन कर देता है, एक उल्लास ले आता है वृंदावन का स्मरण मात्र। तो श्री जीव गोस्वामी पाद का आशय समझ गए भट्ट जी कि वृंदावन से बाहर वृंदावन की बात कहने से सब होगा, लेकिन वस्तु का अनुभव तो होगा, वस्तु का दर्शन भी संभव है, लेकिन उस परम रस का आस्वादन तो उसी भूमि पर संभव है। अनेकानेक प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए, वहन करते हुए, अब भाई मरीन ड्राइव पे रहने वाला आदमी चला जाए वृंदावन तो एक बार तो लगेगा, अरे नाली है, सुअर है, बंदर चश्मा ले जाता है, बटुआ ले जाता है, और ठाकुर जी ने सब व्यवस्था कर रखी है आपके और मेरे जैसे के लिए।
काइंड ऑफ रिपल्शन इज देयर एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट. आपको लगेगा कि नहीं, यहां आराम नहीं है, वहां नहीं है, वहां शरीर का सुख नहीं है, वहां शरीर का आराम नहीं है. और ऐसी व्यवस्था क्यों? क्योंकि जिसे शरीर का, जिसे इस देह का सुख अपेक्षित है, उसके लिए वृंदावन नहीं है, उसके लिए वृंदावन नहीं है. यहां तो इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, ललित किशोरी कहते हैं, बोले इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े. आप बहुत बड़े आदमी हैं तो आप दिल्ली बंबई में ही रहिए, वहां मत जाइए. एक ब्रजवासन की बात आपसे बताता हूं. मैं कहीं बाहर कथा कह रहा था और संयोग से वो माताजी वहीं होंगी. कुछ लोग मुझसे मिलने की चेष्टा में थे और मेरा ऐसा प्राय करके नियम रहता है कि वैसे भी मुझे लगता है कि आपसे हमसे मिलना तो कथा में हो जाता है. और आपको एक छोटी सी बात भी निवेदन करता चलूं, संत से कभी भी अतिशय परिचय मत करिए. आप संत से मत जुड़िए, सत्संग से जुड़िए, साधु संघ से जुड़िए. क्योंकि संत से जुड़ने के लिए बहुत ऊंची योग्यता चाहिए. तो वे लोग मुझसे मिलने की चेष्टा में थे, मैंने मना कर दिया. तो वो ब्रजवासन उनसे क्या कहती है, बोली अरे काय को मूड़ मार रही है आके संग में, मेरी काय को आके संग मूड मार रही है, वृंदावन आ जाइयो, गलियन में डोल तो मिल जाएगा. कहने लगे वृंदावन आ जाइयो, हाँ गलियन में तो डोल तो मिल जाएगा. तो मैंने वहां से कही, मैंने कहा मैया वृंदावन की गलियन में तो ठाकुर डोल तो मिल जाए, मैं क्या चीज हूं. यहां तो हम लोग गाते हैं ना, मन होवे पूरन काम तुरट ले राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी. चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा. क्या कह रहा था, चलिए आप अपनी बुद्धि व्यापार में ही लगाइएगा, हम आपको बता देते हैं कि निष्किंचनों की भूमि है, बड़े आदमी बन के मत जाइए. जिससे देह का सुख अपेक्षित हो उसके लिए वृंदावन नहीं है. प्रत्येक भूमि की अपनी एक विशेषता होती है, प्रत्येक भूमि की अपनी एक उर्वरा शक्ति होती है. इसीलिए विशिष्ट प्रकार की कोई खाद्य पदार्थ हो, कोई और वस्तु हो, विशिष्ट प्रकार की भूमि पर होता है. ठीक उसी तरह वृंदावन भाव भूमि है, भजन भूमि. वृंदावन बसिए, वृंदावन और रह भी गए यदि आप, तो भी जैसे एक बालक सारा वर्ष अपनी पुस्तक हाथ में लिए डोलता रहे, तो क्या केवल पुस्तक हाथ में लिए डोलने से बालक उत्तीर्ण हो जाएगा? कोई आवश्यक नहीं है. और कोई बालक वर्ष भर नहीं पढ़ता और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाता है. ऐसे ही पूरा जीवन वृंदावन रहने वाला रहता है. मैं वृंदावन का वास नहीं कह रहा, वृंदावन में रहने वाला वृंदावन रहता है. और प्राण निकलते हैं कहीं दिल्ली या बंबई के अस्पताल में. वृंदावन में रहना सरल है साहब, वृंदावन में मरना सरल नहीं है. वृंदावन अपना विश्राम नहीं देता. जिसे देह का सुख अपेक्षित होगा वो वृंदावन से धकेल दिया जाएगा. प्रकृति ऐसा वातावरण तैयार कर देगी, आपका प्रारब्ध आपको वृंदावन से दूर ले जाएगा. जेही बन की ध्रुव रेणु में मरिबहु मंगल आए,
इसीलिए रसिक जनों के संग वृंदावन को देखिए, रसिकों की उस भाव भरी दृष्टि से वृंदावन को देखिए। प्रथम बार जाकर हो सकता है आपको बहुत अनुकूल न लगे, पर साहब मैं तो यही अनुभव करता हूं कि राधा वल्लभ और कुंज बिहारी की माया है ये, माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, ये प्रभु की लीला है। और मान लिया वहां सब प्रतिकूलताएं हैं, पर सब है, राधा वल्लभ और कुंज बिहारी भी तो है। वृंदावन के रसिकों ने गाया है, कहां करूं बैकुंठ ले जहां कल्प तरुछा, सखी मोहे ये ढाक सुहावने जहां प्रीतम की बाण, कहां करूं बैकुंठ ही जाए, कहां करूं बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल न गाए, कहां करूं बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदम्ब के छाए, कहां करूं ऐसा वृंदावन देता है। मुक्ति स्तुच्छि भवति बहुशः प्राकृता प्राकृत श्री, जिसके सामने नगण्य हो जाता है मुक्ति का सुख, मुक्ति का सुख। और यहां तो कथा में बैठने को कुर्सी बराबर नहीं मिले तो अरे यहां कौन आएगा। मैं मुक्ति के सुख की बात कर रहा हूं। हमारे बड़े बाबा से किसी ने पूछा, बोले बाबा पहले के महात्मा तो जब भजन करते तो अप्सरा आती तपस्या भंग करती, तो अब चो ना आवे तो अप्सरा। तो बाबा बोले, बोले अब के बाबा जी की तपस्या तो बंदरिया ते भंग है जाए, अप्सरा कहां करेगी आए के। तो इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े ये भाई बंधु गुरुजन, क्या कहते हैं ललित किशोरी, ये भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े। ललित किशोरी दाना उस दिलवर से जोड़े, जो रस की बात चाहे तो फिर सर की बात छोड़े। शीश तली पे धर न सके सुप्रेम गली में आवे क्यों, वो धकेल दिया जाएगा वृंदावन से बाहर। साहब ये निष्किंचनों की भूमि है, यहां प्राण दिए ये प्रेम न पाइए। आप अधिक से अधिक ये मान रख लेंगे कि हम अपने प्राण न्योछावर कर देंगे आप पर। ये तो वो देश है साहब जहां जहां राधा प्यारी धरत चरण पिए तहां तहां नैनन के पावड़े बना वही, जहां जहां श्री प्रिया जी चरण धरती हैं वहां लाल जी अपने अपने प्राण बिछाते हैं। आपके और मेरे प्राण का क्या मोल है, तो प्राण दिए ये प्रेम न पाइए। यह तो एक ही साधन, यारस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु होई, सो कृपा उपजे की भांति रसिकन संग फिरे दिन रात। जहां से हम प्रविष्ट हुए आज की चर्चा में, विश्राम आते आते वहीं आ जाएंगे कि अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु संगतः।
तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुत आशिष। बार बार वर मांगी हूं हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। सदा सतसंग जब जब कोई भ्रमित हुआ है, जब जब कोई भूला है, ऐसा ना समझिएगा कि साधन पथ पर आरूढ़ होने के बाद भ्रम नहीं आता, भूल नहीं होती, सतत होती है। स्वामी हरिदास जी महाराज तो कहते हैं मोसो ना बिगार बे को और तोसो ना संवार बे को। मैं प्रभु जहां पग धरता हूं वहीं भटक जाता हूं, और आप जिमी बालक राखे महतारी करम सदा तिन्की रखवा। प्रभु कहते हैं हो भगतन के पाछे फिरत हूं, जो बछरा संग गाई जिमे बालक राखे महतारी करो सदा तिनकी रखवारी। तो जो रस की बात चाहे तो सर की बात छोड़े। लालसा उत्कट पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ। स्प्रिहा हो जीवन में भजन की, लालसा हो जीवन में भजन की। क्या प्रयास करते हैं आप सत्संग के लिए, कभी चिंतन करिएगा। आपके शहर में हम आ गए, आप हम यहां आ गए, आपने यहां पर आकर सुन लिया, ये आपका पुरुषार्थ नहीं है, ये मेरा पुरुषार्थ है। आपने जीवन में क्या प्रयास किया, आपका क्या पुरुषार्थ है। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। संत के निकट जाने की रीति है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। आपके जीवन में सत्संग के लिए प्रयास कितना है, कितनी उत्कट लालसा है भजनमय जीवन बनाने की। क्या प्रयत्न करते हैं आप, पग पग पर, क्षणे क्षणे, पदे पदे आपका अहम आपकी यात्रा को बाधित करता है, आपका दंभ आपकी यात्रा को कुंठित कर देता है, आपके भाव का प्रवाह रोक दिया जाता है आप ही के दंभ से, आप ही के अभिमान से। और इस आवरण को भंग करती है संत की कृपा, साधु की कृपा। सद्गुरु मेरा सूरमा करे सबद की चोट, मारे गोला प्रेम का मिटे भरम का कोट। अगर बीज अस्वीकार कर दे मिट्टी के संग मिट्टी होना, तो अनंत तक की यात्रा कभी संभव नहीं है। भूमि कितनी भी उर्वरक क्यों ना हो। भट्ट जी के हाथ में पत्र आया, जीव गोस्वामी पाद ने संकेत किया कि कुतश्याम सिंधो रसस्यावगाहन, क्यों 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 ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, क्यों ना के बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। अरे यहां वृंदावन में रस का सिंधु प्रवाहित है, और क्यों आप इससे दूर हैं, क्यों आप इससे विमुख हैं। बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से, तू क्यों छिपाट में पगले, तू क्यों छिपाट में पगले भी जन के डर से। रे मन प्रेम रस बरसे, रे मन तो भट्ट जी ने बहुत विचार नहीं किया,
अब व्यापार में बुद्धि लगाइए, प्यार में बुद्धि मत लगाइए। देखिए कहीं ना कहीं तो आपको बिना शर्त समर्पण करना होगा, सशर्त समर्पण नहीं। हम भगवान के निकट जाने से पहले ही एक आग्रह मन में लेकर जाते हैं, अरे और तो और साहब गलती हो जाए तो आपकी और मेरी तो माफी भी सशर्त होती है। हमारा जो क्षमा के लिए प्रार्थना पत्र होता है कैसा, अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा करिए। आप अगर और तो लगाकर अपने अपने क्षमा पत्र को भी सशर्त कर देते हैं, अरे आपसे अपराध नहीं हुआ तो क्या ठाकुर जी से हुआ है, काय को अब तक इस संसार में भटक रहे हो, क्यों आज तक भजन भाव से विमुख हैं हम, अपराध हुआ है। और अपराध से बड़ा अपराध, सबसे बड़ा अपराध क्या है कि इस जीवन के सार को, इस जीवन के रहस्य को श्रवण करके, मनन करके, चिंतन करके भजन परायण न होना, ये प्रज्ञा अपराध है। आप बहुत दंभ भरते हैं ना कि हम बहुत जानते हैं, आपसे अच्छा न जानने वाला है वो अनजाने में अपराध करता है, आप और मैं जानबूझकर करते हैं। यदि आपको इस बात का बड़ा मान है कि हमने इतना श्रवण कर लिया, हमने इतना पठन कर लिया, तो ज्यों ज्यों आपका श्रवण और पठन बढ़ रहा है त्यों त्यों आपका प्रज्ञा का अपराध बढ़ रहा है, आप जानबूझकर विमुख हो रहे हैं। तो भट्ट जी ने बहुत विचार नहीं किया, संत का संकेत आया और उसी क्षण अपना घर छोड़कर चल दिए। देखिए आप कहीं पहुंचे न पहुंचे, भजन के मार्ग पर कितना भजन हो, कैसा भजन हो, ये बात प्रभु के हाथ में है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा देता नहीं है, मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे त्यों रही है, जो राखे त्यों रही है। और चलेंगे तो भटकेंगे भी निश्चित रूप से, आप बार बार गिरेंगे, बार बार भटकेंगे। और मैं निवेदन कर रहा था कि साधन पथ पे आरूढ़ होने के बाद भी जीवन में भ्रम रहता है, भूल रहती है, भटकन रहती है, हाँ, लेकिन यदि आप चल दिए हैं, यदि आपने चलना आरंभ कर दिया है तो एक बात का बड़ा सुदृढ़ विश्वास रखिए, आप जब जब गिरेंगे, जब जब आपके जीवन में वो गिरने के क्षण आएंगे, जब जब आप पथ से च्युत होंगे, तब तब आपको संभालने के लिए कोई रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। भजन के इस मार्ग पर भक्ति सबसे बड़ा यही बल तो प्रदान करती है कि यहां भगवान पल पल संभाल करते हैं। गीता जी में भगवत वाक्य है कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, जो चला है वो आज नहीं तो कल देर सवेर पहुंचता है। एक शायर कहता है कि आग में जो जल जाए वो झेर नहीं होता, और अपनी ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे, वहां देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होता। जो चलाए वो पहुंचेगा, मैं ये नहीं कहता वो गिरेगा नहीं, वो भटकेगा नहीं। इसीलिए कबीर को कहना पड़ा बनत बनत बन जाए। कबीर स्वीकार करते अपने जीवन की दुर्बलता को, गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, पर फिर कबीर उपाय देते हैं, खेवटिया से लगे रहना, गुरु चरणन से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना।
कछु लेना न देना मगन रहना लगे रहना। मुझे दो पंक्तियां स्मरण आ रही हैं, वो गा के आज के सत्र को हम विश्राम की ओर ले जाएंगे। तो गुरु चरणों से लगे रहना, एक बार आपको मानकर इस यात्रा का आरंभ करना होगा, और बिना शर्त का समर्पण। आपके भाव में क्यों ना हो, कब ना हो, कैसे ना हो, कहीं तो आप अपने आप को निवेदन करिए, कहीं तो आप सुंदर मन का सुमन चढ़ा दीजिए, कहीं तो आप तत्पर हो जाइए समर्पण के लिए। और एक बात और मैं बड़े भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं, बड़े भाव के साथ निवेदन कर सकता हूं कि यदि आपके जीवन में भगवत प्राप्ति का उद्देश्य सद गया, ना हो पुरुषार्थ, ना हो कोई परिश्रम उसके लिए, यदि केवल आपके जीवन में भगवत प्राप्ति का उद्देश्य सद गया, एक एक विचार का बीज आपके मन में पड़ गया, विचार में बहुत बहुत बड़ा बल है, विचार आपके जीवन को शीर्ष तक ले जाता है। जब आप भजन परायण होते हैं तो एक विचार ही तो आपको संसार की उस ऊहा पोह से हटाकर प्रभु की ओर सन्मुख करता है। आप वस्तु से भले हीन हो जाइए, लेकिन विचार से दरिद्र मत होना। यदि आपके जीवन में केवल एक एक विचार हो गया कि आपको इस जीवन में भजन करना है, आपको इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, एक बार श्री स्वामी जी महाराज का एक लेख पढ़ा मैंने, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज का, बोले जब हम आरंभ में घर से निकले तो कुछ काल तक हमको कोई बहुत अधिक सफलता नहीं मिली, भांति भांति के अनुष्ठान, भांति भांति के पारायण हमने किए, लेकिन हमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। एक दिन श्री गंगा जी के किनारे लेटे थे, कान में किसी ने आकर कहा, बोले कुछ मत करो, केवल एक विचार करो कि इस जीवन में तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ करना ही नहीं है। बोले उस विचार ने ये सारी यात्रा संपन्न कराई, केवल एक वो विचार कि हमको जीवन में तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। आपके जीवन में केवल एक विचार बन जाए कि आपको जीवन में भगवत प्राप्ति करना है, आपको चहुं ओर से मार्ग मिलेगा, प्रकृति आपका पोषण करेगी, प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी। जिसका उद्देश्य शुद्ध हो उसे कोई नहीं भटका सकता, भगवान की माया उसके अनुकूल हो जाती है। यदि आपका उद्देश्य शुद्ध है, यदि आपका गंतव्य प्रभु के चरण कमल हैं, यदि आपका गंतव्य प्रभु के चरण कमल हैं, तो आपकी दृष्टि प्रभु पर हो ना हो, प्रभु की दृष्टि आप पर सदा रहेगी। उम्र जन्मों में गुजर हो ये जरूरी नहीं, और हर शबे गम की सहर हो जरूरी नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, तेरे आगोश में सर हो ये जरूरी नहीं, कोई करता रहे मस्जिद में खुदा को सजदे, कोई करता रहे मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी नहीं, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, पर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी है। कबीर कहते हैं, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा,
हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, मन नाम जपन क्यों छोड़ दिया। मैं तो कई बार स्वामी जी महाराज को स्मरण करता हूँ। स्वामी शरणानंद जी महाराज पूर्णिमा का दिन बेचारे ठोकर खाते मंदिर में लाठी टेकते प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, प्रज्ञा चक्षु थे, इन बाहर की आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था। अरे एक बार किसी ने विनोद किया, बोले महाराज जी चिकित्सा करा ली जाए इनकी, आप देख पाएंगे। तो बड़े सुदृढ़ स्वर से कहा कि आंख को यदि शरणानंद की जरूरत नहीं है तो शरणानंद को भी आंख की आवश्यकता नहीं। लाठी टेकते मंदिर में जाने का प्रयास कर रहे थे, मेरे जैसे एक व्यक्ति ने उपहास कर दिया, बोले बाबा तो सूझे ही ना है, तो दिखे ही ना है, तू का करेगो भीतर जाके। बोले भैया मोए तो ना सूझे, बिहारी जी तो देख लेगो मोए, ठाकुर की नजर तो मुँह पे पड़ जाएगी, तो आप ना देख पाए चिंता मत करना, आपके भजन का क्या परिणाम आ रहा है जीवन में इसकी परीक्षा भी मत करना। आपके मेरे पास में वो योग्यता नहीं है कि हम भजन के परिणाम की परीक्षा दे सके, उसे अंक दे सके, बस करना हरिसो लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए, विश्वास रखना, भरोसा रखना मेरे प्रभु की करुणा और उदारता का, जो अपने भक्त की जूती अपने पीताम्बर में उठाने में संकोच नहीं करता, उससे बड़ा भक्त का भक्त और कौन होगा। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँके, भूल गए ठकुराई हरे कृष्णा, भूल गए ठकुराई राजसूय युधिष्ठिर की ना, तामे उठाई हरे कृष्णा, मैं झूठ उठाई हरे राम हरे राम राम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो चल दिए भट्ट जी वृंदावन की ओर, हरि हम कब हैं ब्रिजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन राधासी, सखी सहेली नीकी मिली हैं हरिवंशी हरिदासी, वंशी वट की शीतल छाया सुभग वह जमनासी, बस इतनी आस व्यास की पुजबऊ श्री वृंदा विपिन विलासी, हरि हम कब हैं ब्रिजवासी। जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री वृंदावन को, आशा लेकर अभिलाषा लेकर चल दिए भट्ट जी जीव गोस्वामी पाद का आह्वान पाकर। तो आपको भी यदि यदि व्यासपीठ में श्रद्धा हो तो आज आज की चर्चा को एक आह्वान समझना, जहां हो वहीं रहना, जैसे हो वैसे ही रहना, वैसे ही प्रभु के सन्मुख स्वयं को निवेदन करना, बस आज से आपके हृदय में आशा का एक दीप जल जाए। भट्ट जी के संग हम भी वृंदावन पहुंचेंगे, लेकिन कल तक यही भाव भरी यात्रा आपके भीतर चलती रहे। इसी भाव के साथ आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम। वृंदावन महिमा का भाव जब तक पूर्ण ना हो तब तक आप अपना स्थान नहीं छोड़िएगा। रंगीलो राधा वल्लभ लाल जय 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 श्री विहरत संग लाडली वाल जय 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 श्री यमुना नील मणि की मार जय जय श्री वृंदावन प्रेम सुर।